ये क्रिसमस के बाद का शनिवार था और मैक्स और टैमी चाची मैरी के घर सोने के लिए जा रहे थे। देर शाम तक मैक्स बिल्कुल सो नहीं सका, इसलिए चाची मैरी बिस्तर पर लेटते ही उनके पास बैठ गई। आंटी मैरी, क्या आप हमारे लिए क्रिसमस में मिली इस किताब को पढ़ सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। वो कहानी पढ़ने लगी। एक बार की बात है, जानवरों के साम्राज्य में 3 सुअर थे। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। अब उनके पड़ोस में एक चालाक भेड़िया रहता था। वो उन्हें हमेशा खाने के लिए पकड़ने की कोशिश करता था। एक दिन 3 सुअर बाजार जा रहे थे जब भेड़िया दौड़ कर आया, लेकिन उसने उन्हें देखा भी नहीं। ये अजीब है, उसने हमें नोटिस भी नहीं किया। ये वास्तव में बहुत ही अजीब है। वो किसी तरह जल्दी में लगता है, उसका अनुसरण करते हैं। तो जिज्ञासा से भरे 3 सुअरों ने भेड़िये का पीछा किया। पहला सुअर तेजी से भागा और फिर अचानक रुक गया और अपने पैरों से अन्य 2 सुअरों को फेंक दिया। उन्होंने बस स्टॉप पर उसे देखने के लिए एक कोने से बाहर झांका। शायद वो दूर जा रहा है और वो हमें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। हाँ, मुझे आशा है, लेकिन ये बहुत बहुत अजीब है वास्तव में। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो, एक और भेड़िया बस से नीचे उतर रहा है। नमस्कार दीदी, मुझे उम्मीद है कि यात्रा सुखद थी। ये उसकी बहन थी जो उससे मिलने आई थी। हाँ, वो तो था। उसके तेज दांत सूर्य की किरणों की तरह चमक रहे थे। वो बहुत भयंकर दिखती है, उसके दांत और पंजे देखो, सच में बहुत मजबूत है वो। मुझे तो वो ठीक लग रहे हैं, क्या मैं उनके पास जाके उन्हें नमस्ते कहूँ? अरे नहीं नहीं, इस तरह की कोई हरकत मत करना। तीसरे सुअर ने दूसरे सुअर को डंडा मारते हुए कहा। चलो घर चलो, इससे पहले कि हम उसका रात का खाना बन जाए। दूसरा सुअर लगभग नीचे गिर गया। रात के खाने के बारे में उनके विचार से तीनों डर गए और भेड़िये के करीब आने के डर से वो घर भाग गए। जब वो घर पहुंचे तो डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। अगर वो हम पर हमला करे तो हम क्या करेंगे? हमें जीवित रहने के लिए एक योजना के बारे में सोचना होगा। सुअर ने सोचा और सोचा। यहाँ मेरे पास एक योजना है। उन्होंने योजना के बारे में बात की और आजमाने के लिए सहमत हुए। ये एक शानदार योजना है। उन्हें पूरा यकीन था कि योजना अच्छी तरह से चलेगी। अगली सुबह तीनों सुअर मिस्टर भेड़िये की कुटिया में गए। मिस्टर भेड़िया बाहर आए और दरवाजे पर अपने शिकार को देखकर हैरान रह गए। आज मेरा भाग्यशाली दिन है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। कौन है भाई? मिस्टर भेड़िया 3 सुअरों को पकड़ने वाले थे तभी उनकी बहन दरवाजे पर दिखाई दी। रुको, ये फूल तुम्हारे लिए है बहन भेड़िया। मेरे लिए? क्यों? धन्यवाद, ये सबसे सुंदर फूल है। आप इस शहर में एक अतिथि हैं, इसलिए आशा है कि आपको एक सुखद प्रवास मिले। बहन पंजे हिलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसने उसके तीखे नाखून पकड़ लिए। ये चॉकलेट तुम्हारे लिए है बहन। भेड़िये की बहन को कुछ स्वादिष्ट चॉकलेट सौंप दिए। कितनी प्यारी, और फलों की ये टोकरी? ये आपके और आपके भाई के लिए है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने भी मेरा इतना सुंदर स्वागत कभी नहीं किया। अगले दिन भेड़िये की बहन अपने भाई के साथ सुअर की झोपड़ी में चली गई। भाई चलो, अब तुम मेरे नए दोस्तों की मदद करो। अरे नहीं! उसने भेड़िये से तीनों सुअरों का सभी काम करवाया। उसने छत को साफ किया, बाड़ को चित्रित किया और यहाँ तक कि घास भी कटवाई। ये मेरे प्यारे दयालु और आकर्षक दोस्तों को धन्यवाद कहने का मेरा तरीका है। उसकी योजना काम कर गई। अब दुष्ट भेड़िये फिर कभी सुअरों पर हमला करने के बारे में नहीं सोचेंगे। उसकी बहन के उदार मित्र सुअर खुशी से और बिना किसी डर के रहते थे।